भाई चलो पहले करा दे टैंक। ये दीपक भाई और आपका भाई हमारे साथ हो गया खेला गंदे। हालत बुरी है, बहुत ठंड है, पत्थर हो रखी है बर्फ बिल्कुल। भाई सभी दोस्तों को राम राम, दुआ सलाम और जय श्री राम। भाई आज है वो दिन जब ना जो एक्साइटमेंट था जिस चीज के लिए, वो नई ट्रिप की शुरुआत, काफी लंबा टाइम हो जाता है ना यार तुंगनाथ के बाद शायद यहाँ वहाँ छोटा मोटा कुछ गया हो तो गया हूँ, अदरवाइज कहीं पे मेन जगह नहीं गया जहाँ पे सोची थी। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू जर्नी अगेन। अभी ऑफिस से निकला हूँ, घर जा रहा हूँ, फटाफट जाके जो सामान पैक रखा है वो उठाकर डब्बे में डालना है और पहले करा दे टैंक फुल, यहाँ से टैंक फुल करा के फिर मारेंगे गियर आपका। अलबत्ता अभी तो है वैसे थोड़ा बहुत नहीं, आधी टंकी तो ऑलरेडी है, बट फुल करा लेते बिकॉज आगे का पता नहीं कहाँ मौका मिलेगा डलवाने का। भैया लबर अप कर दे बिल्कुल फुल ऊपर तक। तो ये बन रहा है अपना तेल का टंका भरने को हो रहा है पूरा। डीजल है डीजल, अरे बाबा पेट्रोल कहाँ लेंगे अब बताओ क्या करें भाई इसका, कह रहे कि पेट्रोल है कि डीजल, डीजल डाल रहा है फिर पूछ रहा क्या है, हो जाए पूरा का पूरा तो देखते हैं। भाई ने पहले 100 रुपए का डाल दिया, ये तो क्या पूरा टंकी फुल और स्ट्रिप मीटर को मारते हैं सबसे पहले। जी हाँ पर्ची निकालो भाई, बिल्कुल भाई ट्रिप मीटर अब ये रहा और मारते इसको रीसेट, बिल्कुल ट्रिप मीटर जीरो कर दिया है भाई। 737 बोले चल जाएगी इसमें टंका फुल करा के। भाई ये भाई हमारे काम का पिट्टे का ही भाई, यूएस शामली का, क्या नाम तेरा? शाहरुख खान। एक वहाँ है एक यहाँ है, ये ज्यादा स्मार्ट है वो तो बावड़ी गैंड है। ठीक है भाई चैनल फॉलो कर दिया जाता लिख रहा है पीछे। उत्तराखंड का है भाई, अभी यहाँ लगाई गाड़ी पहले, गंदी देख रहे हो खतरनाक, घर जाकर साफ करूंगा पहले। ये अमेरिका का है भाई, अमेरिका का नंबर, यूके, अमेरिका से आ रही सीधी है, क्या देख रहा है भाई पता नहीं। खैर अभी गाड़ी से लगाई ताकि सारे के सारे टायर ना एक बार चेक कर लेंगे जाने से पहले, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। और उससे क्या होता है कि आप लोगों को रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो मतलब जब कोई निकलता हूँ तो हमेशा पहले टायर वायर चेक कर लेता हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बाकी चैनल है भाई फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पेड़ धोएगा जब पेड़ है भाई, बिल्कुल बढ़िया देखो, और वो है अपना तिरंगा पेड़, बढ़िया है, छोटा सा पेड़ है, इसकी छाया बैठेंगे अपन यहाँ पे। लेकिन राम राम सभी दोस्तों को, और भाई अब मैं निकल गया हूँ घर से एक नई और एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस ट्रिप के लिए, मतलब जिसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार भी कर रहा था, और सही बताऊँ तो हल्का हल्का दिल में डर भी लग रहा है क्योंकि ज़्यादा एडवेंचर कभी कभी ना पिछवाड़े से निकल जाते हैं भाई। ठीक है तो वो भी है बट सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जो भी हम एडवेंचर करने वाला हो ना जो भी, उस पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि सेफ्टी। ठीक है मेरी और मेरी गाड़ी दोनों की सेफ्टी और जो मेरे साथ दोस्त हैं उनकी सेफ्टी, उसके बाद देखा जाएगा कितना ज़्यादा हम अपने आप को मतलब पुश कर सकते हैं कि हाँ कुछ करने के लिए। उसके अलावा दोस्त दोनों के दोनों पहुँच गए हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन,
वहां से उनको पिक करूंगा, पिक करके फिर हम निकल जाएंगे सीधा चंडीगढ़ की तरफ और वहां से फिर आगे। अलबत्ता नाइट ड्राइव का कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ एक लिमिटेड दूरी तक जाएंगे ताकि भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है वो क्रॉस हो जाए और उसके बाद कहीं डिसेंट से होम स्टे वगैरह देख जाके स्टे कर लेंगे भाई। ये तो है आइटनरी छोटी सी आज की। और रास्ते में जो नए दोस्त हैं, पहली बार मैं भी पहली बार इनके साथ ट्रिप कर रहा हूँ, तो बहुत सारी गप्पे शप्पे होंगे, बिकॉज दो जो लोग जा रहे हैं ना वो बड़े अच्छे बंदे हैं यार, दोनों के दोनों बहुत अच्छे ट्रैकर हैं। बाकी और सुनाओ आप सब, क्या चल रहा है क्या नहीं। एक गुजारिश सबसे इम्पोर्टेंट भाई, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है ना, प्लीज़ 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 सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे एक छोटा सा बटन है, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ उंगली लगानी है और सब्सक्राइब हो जाएगा, उसका बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाले बहुत गजब गजब के जो हमारे व्लॉग रहने वाले हैं, उन सब का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। एक मेरा सहयोग करो थोड़ा सा और जो चैनल है सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं आगे दोस्तों के साथ, अभी तो फिलहाल यहाँ पे हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, और 10-15 मिनट लगेंगे पहुँचने में, तब तक के लिए आप रास्ते का मजा लो भाई। और क्या, फाइनली भाई रेलवे स्टेशन पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा बस, और यहाँ से थोड़ा होगा और मेरे ख्याल से ज़्यादा 2 किलोमीटर। और ये रिप्लेस वाली गड्डी अपने साथ साथ नहीं अलग जा रही है, मुझे लगा मैं सेफ्टी के साथ छोड़ के आएगी आगे तक। चलो भाई, इतने बड़े आदमी हुए नहीं अभी हमें, इसका मतलब आजकल रोड का तो बढ़िया वाला मजा आ रखा है, बस अब जहाँ से चढ़ना है अपने को वो रास्ता थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इस साइड से, बिकॉज इस साइड से मैं भी कभी नहीं गया, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। लेट हो गए भाई लोग भी आने में, वरना प्रोग्राम तो 5 बजे का था, 5-5:30 बजे का। एक सबको राम राम कर लो भाई, ये है दीपक भाई और आपका अखिलेश भाई। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग सीधा स्पीति की तरफ चंडीगढ़। अच्छा ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा सर। आप लोग हो सकता बोर हो जाओ। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं कोई भाई, जो रास्ते में टॉर्चर में झेल कर आया हूँ ना, तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया लगना है मुझे। सीरियसली वाकई यार। तो भाई हम पहुंच गए अब यहाँ पे जो नारलोन अम्बाला वाला जो हाईवे वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रुके, चाय वे बनाए हैं, घर से खाना लेकर आए, घर से जो खाना लाए वो खाएंगे आराम से, उसका निकलेंगे आगे। आपको देख के तो वैसे ही हिल गई होगी उसकी कि भाई ये तो उठा के ले जाने वाला आदमी आ गया है, तो थोड़ी देर भाई बोले चलो अंदर आइए ना सर। सबसे बढ़िया ट्रैक कौन सा मारा आपने, आपके हिसाब से कौन सा सबसे बढ़िया ट्रैक आपके हिसाब से जो सबसे ब्यूटीफुल भी है, सबसे हाइट भी बहुत अच्छी है, और वहां से जो आपको स्वर्गारोहिणी दिखती है ना, मतलब इट इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल, मतलब पूरा ट्रैक ही जो है ना वो एक एक कैंप साइट जो है ना आपकी, रुइन सारा ताल की आप कैंप साइट देख लो आपको, मतलब ऐसी जगह ही नहीं दिखेगी। कैसे जाना था वहां पे, ये सांगरी से है, चल चलेंगे अपन, चलना हो गया एक और बार कर लेंगे, लेकिन वहाँ दम लगता है यार। अच्छा, तेल निकाल देता। कितने किलोमीटर का है? मैं कर लूंगा इस बार। टोटल है करीब कितने दिन का और कितने किलोमीटर का है? 103-104 किलोमीटर।
103 किलोमीटर का महीने की छुट्टी चाहिए मुझे उसमें। अरे नहीं नहीं यार, कुल मिलाकर 8 दिन का है। अच्छा 8 दिन का है एक्चुअली, लेकिन फिटनेस लेवल चाहिए। अच्छा आपका आपका उसमें मॉडरेट डिफिकल्ट है वो, मतलब होना चाहिए। और हाइट कितनी है उसकी? 17.5 की। घोड़े का 17.5 है? अरे नहीं नहीं यार, काहे का पीठ वाले। अरे कोई घोड़ा नहीं भाई साहब, सब अपना सामान ऐसी की तैसी हो जाए। अगर उड़ारी से ऊपर आपके अगर मोच भी आ गई ना तो कार्यक्रम हो जाएगा। अच्छा पीछे तो रोप लगा के उतरना पड़ता है, बाली पास से नीचे उतरते हो ना आप, रोप लगा के उतरना पड़ता है। यमुनोत्री की तरफ जो खाई है ना, एक पैर आपका स्लाइड हो जाए। एक जगह तो ऐसी है, अपर धामनी से लोअर धामनी केवल एक पैर रखने की जगह है। 1500 फीट की गॉर्ज है, 200 फीट नीचे आप चलते हो, केवल एक पैर रखने की जगह है। और अगर नीचे आपको 1300 फीट की गॉर्ज दिख रही है, एक पैर अगर दाया बाया हो गया ना, एक पैर भी दाया बाया हो गया तो एक आपको ठूंठ भी नहीं है जिसको पकड़ लो आप रस्ते में। पिन पार्वती का वो पत्थर काट के आते, पिन पार्वती मैंने नहीं किया ना, मैं बता दो उसमें भी एक पैर की जगह है। बस वो ये ऐसी जो जगह होती है ना, ये बहुत डेंजर। मैंने तो भाई वहाँ वाकई मैंने देख लिया कि मतलब मेरे कौन कौन से बीमा किए हुए हैं, याद आ जाता है वहाँ पे। और ब्रह्म कमल का पूरा खेत पूरा पटा पड़ा है ब्रह्म कमल से। अच्छा इतना ब्रह्म कमल, लोग एक एक को ही लूमते रहते हैं, इतना ब्रह्म कमल आपने देखे वहाँ पे? लेकिन भाई हमारे साथ हो गया खेला गंदे वाला खेला हो गया, ठीक है। अब स्नो में जा रहे थे और स्नो के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है स्नो चेन। हम बड़े मस्ती में मटकते मटकते पहुंच रहे और स्नो चेन ही भूल गए घर में भाई घोड़े खुल गए हमारे। अब भाई किसी को स्पेशली बार रिक्वेस्ट करिए कि वो सुबह सुबह आ जाए ट्रेन से बैठ कर स्नो चैन दे जाए। हमें अम्बाला के इंटरमोल रुक रहे हैं अम्बाला में, ताकि सुबह सुबह आके हमें स्नो चैन दे जाए। जुगाड़ लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट करें लोगों से भाई भी फिलहाल कोई पकड़ा दे स्नो चैन, अगर सुबह मिल जाएगी टाइम से तब निकलेंगे आगे फर्दर। तब तक ले गप्पे मार रहे हैं सारे भाई बैठ के, अब तो रूम भी नहीं मिला, रात को 12 बज गए। आधे लोग तो सोच रहे हैं कौन घूम रहा है रात को, थोड़ी देर पुलिस वाले ना पकड़ लें भाई। भाई अब क्या हो रहा है कि अब रूम नहीं मिल रहा, तब से हम सोच रहे थे कि रूम मिल जाएगा बट रूम भी नहीं मिल रहा अब, और जो मिल रहा है वो बहुत कॉस्टली मिल रहा है, और या फिर थोड़ा सा समझ रहे हो ऐसा मिल रहा है जो जहाँ पे 3 लोग फिट नहीं हो सकते, वो एक चैलेंज है। अम्बाला में मतलब मे बी शायद हम जानते नहीं इसलिए, बट बहुत कम ऑप्शंस जो हमें दिखाई दिए अब तक, बिकॉज मैं अम्बाला पहले कभी नहीं मतलब ऐसे घूमने अंदर कभी नहीं आया ना, हाईवे से क्रॉस करके निकले कुछ काम ही नहीं पड़ा कभी, तो इस करके थोड़ा सा आइडिया नहीं है अम्बाला का ज़्यादा, बट क्या ही कर सकते हैं। इधर बहुत कुछ लगाया उन्होंने गाड़ी में, जैसे मैंने ये भी लगा दिया गाड़ी में कि हाँ चलो चार्जिंग ये सही चीज़ है। वैसे देखो अगर आप लोग दिख रही है करिए, ये दिख रही है ये चार्जिंग के लिए लगा रखा है ये मैंने स्पेशली गाड़ी के अंदर, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है चार्जिंग के, ये है दो डबल सॉकेट वाले हैं, एक ट्रिपल सॉकेट वाले, मतलब लैपटॉप चार्ज करने के लिए USB के 4, ये सब लगवाया है और ये अभी लगवाया है सिर्फ इसीलिए ताकि हम सब घूम सकें आराम से बैठ के बातचीत कर सकें। तब तक हम गपियाते हैं, जब तक वो रूम देखने के लिए गए अभी अंदर, वो रूम देख कर आएंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे करना क्या है। पूरा रास्ता भाई साहब मतलब मस्ती मारते हैं हम लोग, सिर्फ ये था अंधेरा था बहुत ज़्यादा, हमें भी पहली बार मिला था भाइयों से तो गप्पे चल रही थी थोड़ी, तो चीज़ें शेयर हो रही थी आपस की। भाई एक चीज़ तो बताना भूल ही गया भाई, पूरे अम्बाला में मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, मतलब नेट नहीं चल रहा, देखो यूट्यूब भी नहीं चल रहा, देख रहे हो यूट्यूब भी नहीं चल रहा भाई, ना इसमें चल रहा और इसमें एयरटेल है और ये जियो है, किसी में भी नहीं चल रहा भाई, किसी में कुछ भी मतलब ऐसे समझ लो कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही, देख लो पेज इजंट अवेलेबल है, देख लो ऐसे लिख के आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब आप कुछ बल्क में अगर कुछ भी आप सोच रहे हो करने के लिए तो नहीं कर सकते भाई। ये देखो यूट्यूब, ये यूट्यूब का हाल है, नहीं चल रहा है, घूम जाएगा और बाद में आएगा नेटवर्क, नो नेटवर्क जो सो बेसिकली अभी ये जो किसान वाली जो चीज चल रही है ना इसके चक्कर में नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी हमारा, ना तो हम कुछ अपलोड कर सकते हैं
और ना ही कुछ और। चलो मैनेज करते हैं इससे ही।